आज नए तरीके से नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसको शुरू करेंगे अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम तो रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला पार्ट है वो होता है एनालॉग, जिसको आप कहते हो, अगर आप हिंदी में भी इसको एनालॉग ही कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि सीधी सी बात है, सिग्नल के भी दो प्रकार होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी दो ही प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग संकेत वो संकेत होता है जो, संकेत का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तो एनालॉग संकेत भी समझ आ जाएगा। संकेत क्या होता है, किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से जब दूसरी जगह हमें पहुंचाना होता है तो उसको पहुंचाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो संकेत होता है, सिग्नल होता है। यानी कि सिग्नल की हेल्प से ही हम, सिग्नल इज अ मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अगर आपको इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, सूचना को पहुंचाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं संकेत या सिग्नल। सिग्नल दो प्रकार के हैं, एनालॉग जिसमें एनालॉग सिग्नल यूज होगा वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल यूज होगा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारा चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, उसके अंदर आ जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। तो दो टाइप हो जाएगा, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिकी भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये दो ब्रांचेस है मेन। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है और एनालॉग सिग्नल जो होता है वो इस तरीके से होता है जो टाइम के साथ सतत रूप से कंटिन्यूसली चेंज होता है, यानी कि इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल सिग्नल में दो ही चीजों की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल में वन की और जीरो की। वन का मतलब होता है ट्रुथ, वन का मतलब होता है ट्रुथ, हाई। यहां पर आप हाई की बात करो, सत्य है, उच्च, प्लस 5 वोल्ट जनरली जो लेके चलते हैं, यानी कि हाई की बात करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करेंगे। वन का मतलब होता है पॉजिटिविटी और जीरो का मतलब होता है नेगेटिविटी, यानी कि फाल्स। कोई भी स्टेटमेंट दे दिया हमें, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, जैसे किसी ने कह दिया वेंकैया नायडू इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट डेज, तो आप बोलोगे फाल्स, फाल्स, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो फाल्स बोलोगे, इसका मतलब जीरो। उसको आप इतना ए का आंसर दे दोगे, जीरो। उसके बाद कोई बोले कि प्रकाश सिंह बादल इज सीएम ऑफ पंजाब, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, नहीं है, तो जीरो बोलोगे। अगर कोई आपको कह दे कि पी चिदंबरम वॉज, या आप कह दे पी चिदंबरम एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, यस, हमारे लिए क्या एक्स पहले रह चुका है वित्त मंत्री, वो पी चिदंबरम, तो हम कह सकते हैं। तो फाल्स या लो कह सकते हो या जीरो वोल्ट कह सकते हो। कहने का मतलब जब भी लो की बात करनी है तो जीरो, जब हाई की बात करनी है तो हमें वन। फाल्स जीरो वोल्ट है तो ये प्लस 5 वोल्ट है, प्लस 5 का मतलब कुछ भी, प्लस वी वोल्ट, ये कहना चाहता हूं मैं। अगर ये माइनस के अंदर है तो ये उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके कंपैरेटिवली वो हाई होना चाहिए। तो ऐसे सिग्नल में दो ही चीजों में बात करते हैं, इशारों में बात होती है, फाल्स ट्रुथ, वन जीरो, वन जीरो, बस डिजिटल सिग्नल। जैसा कि बड़ा ठगा था हमें किसी ने कह कह के डिजिटल इंडिया, और आज बोलती बंद कर दी सारे देश की, आपको पता ही है। तो वही बात, वही डिजिटलाइजेशन है, वही डिजिटल है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो अब देखिए इसका सिग्नल कैसे होगा बेटा, कभी तो लो कभी हाई, कहीं इसके, क्योंकि बात दो ही चीजों में होनी है, वन में या जीरो में, वन में या जीरो। जैसे हमारे किसानों ने कह दिया यस और नो में उत्तर दीजिए, ज्यादा घुमाइए मत बातें, है ना।
तो यस और नो में उत्तर दे दो, वो डिजिटल चीज आप ही तो कहते हो मोदी जी डिजिटल डिजिटल, तो आ जाओ आप भी डिजिटल पे, हम आपसे एक ही आंसर चाहते हैं, वन या जीरो, कानून रद्द वन, यस कानून रद्द नहीं जीरो, बस इसी में बात करो, ज्यादा हमारे साथ ना पेचे मत अड़ाओ क्योंकि बातें बहुत घुमा रहे हैं, तो वो हमें पता है सब, किसान पढ़ा लिखा है, बहुत नॉलेज है, सभी किसान के बेटे हैं, मैं खुद भी किसान का बेटा हूँ, बहुत कुछ पता है, सबको पता है, पीएचडी कर रखी है किसान के बच्चों ने भी, तो वो बोले नहीं है। तो वन और जीरो यानी कि जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, इसी के अंदर बात की जाएगी। अगर ये है प्लस फाइव वोल्ट, क्या दिया मैंने, तो ये जीरो वोल्ट, ये जीरो वोल्ट हो गया डैश डैश करके, ये क्या है इस तरीके से प्लस फाइव वोल्ट, ये जो हाई है पीक प्लस फाइव वोल्ट, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये जो बनाया है ये डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है, इसको वोल्टेज कह सकते हो इधर, या इसको आप करंट भी कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है, करंट या वोल्टेज रेगुलर वे से कम ज़्यादा होता है, इसमें करंट या वोल्टेज रेगुलर वे से नहीं चेंज होता, वोल्टेज या करंट आई या वी कुछ भी है वो या तो एक या जीरो, एक या जीरो, इतना ही हम इसमें शो करने के लिए काम में लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट हैं जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया, ट्रांजिस्टर हो गया वो उस पर काम करता है, ठीक है जनरली, डायोड हो गया वो इस पर काम करता है, डायोड जहाँ तो धारा जाने देगा नहीं जाने, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कई चीज़ें पढ़नी है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसके अंदर स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली, ये जो चीज है नंबर सिस्टम, ये हमें समझना है। नंबर सिस्टम के अंदर सारी बात नंबर्स में की जाएगी, और नंबर्स जो होंगे कितने टाइप के होते हैं वही समझना है। तो अंक प्रणाली या नंबर सिस्टम में नंबर कितने टाइप के होते हैं वो चीज समझनी है। सबसे पहले आता है बाइनरी, बाइनरी नंबर सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसके अंदर ध्यान रखना है नंबर सिस्टम के अंदर हमें कि इनका बेस या आधार क्या होता है, और इनको आपने इंग्लिश में एज इट इज याद रखना है, चार प्रकार के नंबर सिस्टम है, हमें बस बेस उनका ध्यान रखना है, बेस आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, और बेस बताता है उसमें कितने अंक होंगे, बाइनरी का बेस दो होता है, इसका मतलब उसमें दो ही अंक होंगे, दो ही डिजिट होंगी, और कौन कौन सी डिजिट होंगी, जीरो एंड वन। डिजिटल सिग्नल सारा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारी की सारी बाइनरी नंबर पर काम करती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाइनरी नंबर पर काम करती है, जीरो या वन, बस ये देख सकते हो। यहाँ दो नंबर पे आ जाता है बाइनरी के बाद, डेसिमल ले सकते हो, ऑक्टल, उससे पहले ऑक्टल की बात कर लेते हैं, ऑक्टल फिर डेसिमल आता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ये टोटल चार नंबर हैं आपके पढ़े हुए हैं पहले। ऑक्टल के अंदर आठ आधार होता है, डेसिमल के अंदर दस होता है, हेक्साडेसिमल में सोलह होता है, यानी कि इसमें आठ अंक होंगे, एट डिजिट होंगी, तो जीरो से लेके सेवन तक, सिक्स एंड सेवन, यहां पे दस डिजिट होंगी यानी कि वन से लेके नाइन तक। जितनी भी पढ़ाई की है आपने आज तक, पहली क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक जो भी पढ़ाई आपने की है, चाहे बीएससी फाइनल तक हो गए, आज तक सारी क्लास पढ़ाई डेसिमल में की है आपने, ना तो आपने कभी बाइनरी में पढ़ाई की है, ना जितनी भी गुणा भाग जोड़ जो भी कैलकुलेशन करते हो, डेरिवेशन सारे सब डेसिमल में चलता है, कंप्यूटर कभी डेसिमल में काम नहीं करता, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में काम करता है, तो कंप्यूटर डेसिमल को बाइनरी में बदल लेता है, फिर वो गुणा भाग करता है, तो कंप्यूटर जो मल्टीप्लाई डिवाइड करता है वो बाइनरी में आके करता है। तो ये हम आपको सिखाएंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें, बाइनरी को डेसिमल में कैसे, ये चीज़ें हैं। हम जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो डेसिमल देते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम लगा होता है जो उस डेसिमल को बाइनरी में बदल देता है, कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर भी बाइनरी में आता है, फिर एक और सिस्टम लगा होता है कंप्यूटर में, वो बाइनरी को डेसिमल में बदल के हमें उत्तर दे देता है।
अब देखिए 16 है, एक बात सोचने वाली है, 15 तक जाना है, 7, 8, 9, क्या मैं 10 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि 10 हो जाएगा 10, 10 तो फिर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 10 तो फिर कोई अलग चीज है ना। इसका मतलब मैं 10 को लिखूंगा ए, बी 11, सी 12, डी 14, ई 15। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एफ तक जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए बी सी डी ई एफ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मुझे 15 तक ही जाना है। टोटल 16 शब्द हो गए, ये 16 अंक हो गए, सॉरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ टर्म है जो और याद रखनी है। अगर 4 बाइनरी नंबर मिल जाएं या 4 डिजिट कोई भी, जब 4 डिजिट मिल जाती हैं, बस यही क्वेश्चन समझ नहीं आता बच्चों को, 4 डिजिट मिल जाती हैं वो बराबर होती है एक निबल के, 4 जो डिजिट होती हैं वो एक निबल के बराबर होती हैं, 8 डिजिट किसके बराबर होती हैं? दो निबल तो ठीक है, 8 डिजिट किसके बराबर होंगी बता सकते हो? एक बिट के। 8 बिट से स्टार्ट करते हैं, एक जो स्मॉल पार्ट होता है ना वो बिट होता है, ये बाइट बन जाता है, यानी कि एक डिजिट जो होती है उसको एक बिट कहते हैं। एक डिजिट एक बिट होती है, 4 डिजिट एक निबल हो जाती है, 8 डिजिट एक बाइट हो जाती है। 1024 बाइट, 1024 बाइट एक किलो बाइट हो जाती है, केबी जिसको कहते हो आप, 1024 किलो बाइट जो होता है वो एक मेगा बाइट हो जाता है। कैपिटल एम लिखना है, याद रखना, 1024 मेगा बाइट एक गीगा बाइट हो जाता है, 1024 जीबी एक टीबी या एक टेरा बाइट हो जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, ये कुछ बेसिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमें याद रखना है, और इनका कन्वर्जन हमें क्या करना है, आज स्टडी करना है। जो बाइनरी नंबर होता है ना, बाइनरी नंबर के अंदर जैसे 2 बेस है उसका, और उसमें डिजिट 2 ही होती हैं, 0 और 1। अपने बाइनरी नंबर के अंदर 2-3 चीज़ें पढ़नी है, बाइनरी नंबर को जोड़ते कैसे हैं, बाइनरी नंबर को घटाते कैसे हैं, बाइनरी नंबर का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे देते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें पढ़नी है। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो याद रखनी है। सबसे पहले बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी नंबर को रियल में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि एक बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, आपको पता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कोई नंबर दे दिया 110, 110 में ही बात होगी, इसमें बाइनरी में पॉइंट लगा के 101 कुछ भी कह दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। पहली बात तो दिख रहा है इसमें ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, 0 और 1 ही आ रहा है, तो पक्का है बाइनरी नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइनरी नंबर को जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मैं जस्ट सिंपल बता रहा हूँ, एक अलग से टॉपिक आएगा कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो अलग चीज़ है। मैंने पहले ही बोला कंप्यूटर सारी कैलकुलेशन बाइनरी में करता है, तो कंप्यूटर के अंदर मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम कंप्यूटर में लगा होता है। मैं जो इनपुट देता हूँ कंप्यूटर को वो डेसिमल में देता हूँ, कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, और बाइनरी में कैलकुलेशन करने के बाद वो उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है डेसिमल में, जो हमारी स्क्रीन पे दिखता है। फोन में भी सेम सिस्टम होता है। अब पहले हमें ये पता करना है कि कंप्यूटर कैलकुलेशन कैसे करता है। किसी ने कह दिया कि आप लोग ऐड करके दिखाओ, 110 कुछ भी कह सकता है वो, किसी ने कह दिया कि ऐड करो 101011, इसके अंदर आप ऐड करके दिखाओ मेरे को, ऐड करो 10111। तो ये नहीं है कि 1 और 1 2 हो गया, ऐसा नहीं है, है बहुत सिंपल चीज़ लेकिन समझने वाली है। जब भी बाइनरी एडिशन करो, कुछ भी करो, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो चीज़ होती है ना, जैसे 1 है मान लो,
किसी ने बाइनरी नंबर में लिख दिया वन, इसका मतलब ये है दो की पावर जीरो, इसका मतलब दो की पावर जीरो मतलब वन, डेसिमल में भी वो वन है। बाइनरी के अंदर किसी ने कह दिया वन जीरो, अब इस तरफ जाते टाइम दो की पावर बढ़ाते जाओ, पहले के ऊपर दो की पावर जीरो, दूसरे पे दो की पावर वन, तो ये एक्चुअल में दो की पावर जीरो प्लस एक गुण जीरो गुणा दो की पावर जीरो, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। दो की पावर जीरो कर दोगे, मल्टीप्लाई करना आपको नहीं भूलना, जीरो गुणा दो की पावर जीरो कर दोगे, वन गुणा दो की पावर एक, आंसर दो आ जाएगा। किसी ने दे दिया वन जीरो जीरो, उससे पहले और चीज समझ, किसी ने कह दिया वन वन, किसी ने वन वन कह दिया, इसका मतलब है दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, एक गुणा दो की पावर जीरो प्लस एक गुणा दो की पावर एक मतलब तीन। किसी ने कहा वन जीरो जीरो, दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, तो ये हो गया जीरो इंटू टू रेस टू पावर जीरो, जीरो इंटू टू रेस टू पावर वन, वन इंटू टू रेस टू पावर टू, आंसर आ गया फोर। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बाइनरी नंबर के अंदर टू बेस चलता रहता है, दो के दो की पावर लगाते जाओ और जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दो की पावर जीरो, जहाँ जीरो आ रहा है वो तो चाहे छोड़ ही दो, सीधा उसकी वैल्यू लिख दिया करो, टू टू जा फोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से। अब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, देखो किसी ने पूछा भाई साहब जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये भी दो की पावर जीरो है, ये भी दो की पावर जीरो है, एक गुणा जीरो कुछ मतलब नहीं, जीरो गुणा दो की पावर जीरो, जीरो गुणा दो की पावर जीरो, आंसर जीरो आ जाएगा। किसी ने पूछा भाई साहब वन प्लस जीरो क्या होगा, सबको पता है वन होगा। किसी ने कहा जीरो प्लस वन क्या होगा, वो भी वन होगा, लेकिन वन प्लस वन क्या होगा, वन प्लस वन क्या होगा, देखिए वन प्लस वन ये क्या है, दो की पावर जीरो मतलब एक है, ये भी दो की पावर जीरो मतलब एक है, इसका मतलब वन प्लस वन डेसिमल के अंदर तो दो आएगा, लेकिन डेसिमल के अंदर दो को लिखते हैं वन जीरो बाइनरी में, तो वन जीरो, यानी कि दो तो मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि दो तो बाइनरी तो बात ही दो में करता है, एक जीरो एक जीरो एक जीरो बस, तो मैं यहां पे ऐसे टू मांड ही नहीं सकता, टू क्यों नहीं मैं यहां पे नो लिख सकता, क्योंकि टू लिखते ही वो डेसिमल में चला जाएगा, ऑक्टल में चला जाएगा, हेक्साडेसिमल, बाकी तीनों में तो दो होता है, इसमें इसको पता ही नहीं दो क्या होता है, इसको तो इतना पता है वन जीरो होता है बस, ये दो को वन जीरो, और वन जीरो है भी दो, कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने अभी अभी, तो ये वन जीरो। तो जब भी जोड़ करते हो, बाकी जोड़ के सिंपल ही रूल रहते हैं सारे, बाइनरी एडिशन जब करोगे, बाइनरी एडिशन या बाइनरी योग जब करोगे तो बाकी रूल वैसे ही रहेंगे, चार पॉइंट होते हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवाइड, सिंपल है। कैसे करना है, वन प्लस वन जीरो, अब आना तो वन जीरो था तो वो वन चला गया इधर कैरी, वन इधर कैरी कर लेंगे, वन इधर कैरी चला गया, अब वन इधर कैरी ले गए तो अब खुद देखो वन इंटू वन फिर जीरो, वन कैरी, अब यहां तो जीरो बचा ना, ये जीरो ऐड हुआ वन में तो वन, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तीन बार वन प्लस वन प्लस वन करते हो तो वन आता है आंसर, एक कैरी चला जाता है आगे, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो, वन चला गया कैरी, वन प्लस वन क्या आ गया, फिर जीरो आएगा, वन कैरी चला जाएगा, वन प्लस वन फिर जीरो, वन कैरी, वन प्लस वन वन जीरो, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। तो एडिशन करना बहुत आसान है बाइनरी नंबर्स का, बस एक बात ध्यान रखनी है कि कैरी किस तरीके से लेके जाना है। अब जैसे सिंपल क्वेश्चन देख लो, वन जीरो 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 वन, कहता ऐड कीजिए वन 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 जीरो वन, पहले देखिए वन प्लस वन टू होता है और टू का मतलब वन जीरो, टू का मतलब वन जीरो, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा तो वन तो यहीं चला जाएगा कैरी, वन ये वन ही रह गया, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर कुछ नहीं है तो जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, नीचे कुछ नहीं है तो जीरो तो लगा सकते हो वन, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर आप इसको पुराने तरीके से खोज के देखो तो ये चीज है क्या, तीनों चीजें, पहले इसको ध्यान दो, वन जीरो डेसिमल में देख लो भाई,
डेसिमल में ये क्या है 110, ये क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, डेसिमल में कितना है, एक एक वाले मल्टीप्लाई कर जोड़ लो, बाकी छोड़ो, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ये तो 0 खत्म, 2 की पावर 3 8, फिर ये खत्म, 2 की पावर 5 32, तो आपके पास रह जाता है 43। इसका आंसर 43 है भाई। इसकी बात करते हैं, 10111, 2 की पावर 0, 1 2 3 4, 16, ये 0 खत्म, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 और 3 7, 16 और 7 23, ये 23 है, दोनों को जोड़ो 66 आ गया, यानी कि आंसर जो आएगा वो 66 होना चाहिए, ये 66 होना चाहिए, क्या है वो हमें देखना है। तो देख लो, 2 की पावर ओनली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, बाकी तो सारे 0 हैं, 2 3 4 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 32 दूना 64, 64 और 2 की पावर 1 66, इसका मतलब जब ऐड कर दिया तो जो आंसर आया वो वही आया जो आना चाहिए था। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हो, तो एडिशन करना कोई मुश्किल नहीं है बाइनरी का, ना ही बाइनरी का कोई गुणा करना मुश्किल है, बाइनरी के तो मुश्किल है उसका घटाव करना। जब माइनस करेंगे तो उसमें सीधा माइनस होता नहीं है, 1 माइनस 1 तो आप 0 कर देते हो, 1 माइनस 0 आप 1 कर देते हो, लेकिन 1 माइनस 1 कभी 0 नहीं करते, 0 माइनस 1 को क्या करोगे, -1, बाइनरी में माइनस एक होता ही नहीं है, तो उसको कैसे करोगे, तो माइनस करना आपको सीखना है। जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ना ही गुणा में कोई दिक्कत आएगी, भाग और घटाव ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई तो जैसे करते हो मल्टीप्लाई वैसे हो जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 1101, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 का करो 1011, फिर 1 का करो 1011, 1 1 1 1 plus 1 0 1 carry 1 plus 1 0 1 carry, सिंपल, गुणा करके जोड़ करना है नीचे, सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हो वो हो जाता है, और क्वेश्चन इससे आता ही आता है घटाव से।